यार जीत मूवी का नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट में तारा सिंह ने बचा लिया काजल और सलमान भाई को, तो ठाकुर भी गुस्सा हो गया है, अभी देखते हैं क्या होता है। वो हरामी काय काय कौन सा तेरी बेरी के बेर तोड़ लिए, तोड़ फोड़ करने यहाँ चला आया? अभी तोड़ता हूँ तेरे हाथ पैर कुत्ते। तू बड़ा खुश नसीब है इंस्पेक्टर कि तूने पिया जी पे हाथ भी उठाया तो उसके छत के नीचे। अगर यही बदतमीजी तूने बाजार में की होती ना तो हिजड़ा अपनी औकात पे आकर तेरी खोखली मर्दानगी के छक्के छुड़ा देता। पिया जी, इंस्पेक्टर आइए आइए। इस मंडली में आप ही की कमी थी। तेरा जिसके साथ टांका भिड़ा है वो तो अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझता है। सरे बाजार 12 लोगों का कत्ल कर दिया, वो तो पकड़ा जाएगा और तू उसे छुड़ाने भी आएगी, लेकिन इस बार अपने साथ 4 आदमियों को लेकर आना उसकी लाश को कंधा देने के लिए, समझे? इंस्पेक्टर, अपने ताकत के गुरूर में ऐसी कोई हरकत मत कर बैठना के बाद में तुझे पछताना पड़े। इसे नसीहत नहीं, मेरा मशवरा समझना, क्योंकि 100 कुत्ते मिलकर भी खुले शेर का शिकार नहीं कर सकते। ले जाओ सालों को। What's wrong? अब क्या हुआ? वहाँ उधर छत पर कोई भी तो नहीं? खामखा डर रही हो, मुझे भी डरा रही हो। नहीं राजू, अभी अभी कोई वहाँ था, हमें बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत खतरा है, तुम्हें भी हमें भी और इसे भी, हम ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। ये शहर छोड़ने, फिर ये मुल्क छोड़ने, और फिर ये दुनिया। काजल, खतरों से डर के भागने वालों के कदमों तले तो ये जमीन भी अपने हाथ नहीं रखती, और अगर वाकई में कोई खतरा है तो मैं इसी घर को अपना मोर्चा बनाऊंगा, तुम्हारे लिए, अपने लिए। अपने होने वाले इस बच्चे के लिए। ये जंग मैंने नहीं मांगी थी काजल, मैंने तो कभी पलट के उनकी तरफ देखा भी नहीं। इस जंग की शुरुआत उन्होंने की है, लेकिन अब अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। क्यों करण भाई, आखिर इतनी सारी गोलियां, कहीं अखा शहर उड़ाने का इरादा तो नहीं? करण, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी, तेरी जान को बहुत खतरा है रे। मैं तकदीर चली कहां छुपाऊं तुझे, जहां तू महफूज रह सके। पुलिस आई थी, तेरे दोस्तों को पकड़ कर ले गई। वो इंस्पेक्टर पागल कुत्ते की तरह तुझे ढूंढ रहा है, कह रहा था तूने सरयाम के लोगों का कत्ल किया है। वो तुझे जान से मार डालने की धमकी देकर गया है। ये गजराज की चाल है, मुझे हटाकर उन मासूमों की जान लेना चाहता है। करण, क्यों उस रास्ते पर चलते हो जहां मौत बिछी है? मैं मौत को वहीं रोक दूंगा ताकि उनकी जिंदगी को कोई छू ना सके। तुम भी सच्चे, हम भी सच्चे, इस इश्क में सच का रोना है। लेकिन आज मैं रोऊंगी नहीं, मैं तुझे रोकूंगी भी नहीं। आज तुलसी दुआ करेगी कि इस जंग में जीत तेरी हो, जा तेरा रब राखा।
उधर जा। राजू उठो, राजू हमसे बात करो राजू, होश में आओ राजू, होश में आओ। कुछ नहीं होगा तुम्हारे राजू को, जब तक मैं जिंदा हूं तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। करण, हमें माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं वहां देर से पहुंचा, वरना गजराज के आदमी राजू को छू भी नहीं पाते। कितने गलत थे हम, आज तक हम यही समझते रहे कि तुम हमारे सुहाग को उजाड़ना चाहते हो,
लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि तुम हमेशा अपनी जान को खतरे में डालकर हमारे सुहाग को बचाते रहे। हम उसे ही दुश्मन समझते रहे जो हमारे लिए मसीहा था। हम मानते हैं हमने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, लेकिन उस वक्त हम ऐसे दो राहें पर खड़े थे जहां हमें अपने पापा की जिंदगी और तुम्हारे प्यार में से किसी एक को चुनना था। पिता की जिंदगी को बचाना हमारा फर्ज था, हमने उसे अपना धर्म समझकर निभाया, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ हमारा रिश्ता टूट गया। हमारे बीच जो कुछ भी था उसे भूल जाओ, वो गुजरा हुआ कल था। मुझे तो आज एहसास हुआ है कि मैं जिंदा क्यों हूं। राजू, दीदी ना चटकर। शुक्र है भगवान का आपको होश आ गया। शुक्रिया दोस्त, आज तुम्हारी वजह से काजल मेरे साथ है। थैंक यू। ये क्या जख्म? लगता तुम्हें जख्मों की आदत सी हो गई है, लेकिन अगर जख्म पुराना हो जाए तो नासूर बन जाता है। आज दिल जीत लिया तारा सिंह ने, कसम से यार। जब इन्होंने बचाया ना भाईजान को यार, बहुत अच्छा लगा। ये लड़की यार सफाई नहीं देनी चाहिए थी यार, ऐसी सिचुएशन में आप उनको शुक्रिया बोलती, लेकिन आप पुराने दिन याद दिला रही हो कि धर्म निभा रही हूँ, फर्ज है मेरा यार, ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो बेचारा भूल गया है, उसको आशिकी याद दिला रही है। बाकी ये तो भाई हमारा सच्चा मर्द है भाई आशिक है, और भाईजान ने भी मुस्कुरा कर हाथ मिलाया, क्या फीलिंग थी यार, मज़ा आ गया भाई। क्या बंदा है यार, इतना भाई ताकतवर भाई, मज़ा आ गया तारा सिंह को ऐसे देखा ना मैंने। जब वो इमोशनल से भाई बातें कर रहा था ना यार, दिल छू लिया, मेरे आंखों में आंसू आ गए यार। ये तारा सिंह के साथ बड़ा बुरा हुआ पिछले, जो पिछले दौर में हुआ था तारा सिंह के साथ, तो बड़ा यार उसके लिए मैं फील सैड फील कर रहा था। बाकी यार ये जो तारा सिंह लाइन बोली ना, शुक्र करो मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं देर से पहुँच गया यार, यहीं पे मार गया यार हमें, तो दिल जीत लिया तारा सिंह के लिए। तारा सिंह ने तो दिल खुश कर लिया यार, उसने तो आज तो हमारा और भी भाई उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। दोनों की है ना हाथ जो मिलाया ना, वो दिल जीतने वाले थे भाईजान और तारा सिंह, दोनों स्टार है भाई। उन्होंने हाथ मिला ना, मज़ा आ गया था भाई। लड़की है ना, पुरानी जख्म उसके कुरट रही थी भाई, उस ज़माने में आप उससे शादी कर लेते तो अच्छा होता ना, ये दिन उसको देखना पड़ता ना। नहीं, बाबू जी को चुना, उसका गला दबा देती, वो तो मरने वाला था, और बूढ़ा और मर जाता तो और क्या होता। तारा सिंह तो मिल जाता है इतना बहादुर इंसान, और क्या है, गुस्से में दूं ना भाई। ये दुख की बात है ना, प्यार इसके साथ, शादी किसी और के साथ, अभी उसको पता भी लगा, पता चल गया, जिंदगी तबाह हो गई। ये भी देवदास की तरह हो गई है, ये भी कमेंट आएंगे ये बापू जी को मारना चाहता है, और क्या दो भाई, उनका धर्म है, वो धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई। वचन भी बड़ी बात है, महाभारत में हमें देखा है भाई, बस हिंदुस्तानी महिला है, पति जब मंगलसूत्र पहनती है, सिंदूर लगाती है, फिर भाई वो तारा सिंह हो या हमारा किंग खान हो, कोई नहीं चाहिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट, थैंक यू।